जय हिंद दोस्तों। अगर आपके नेबरहुड में बहुत उथल पुथल मची हुई हो और अगर आप इससे बेखबर हो तो सोच लीजिए आपके लिए भी मुसीबत आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका जो कि भारत के पड़ोसी देशों में से एक है, आज श्रीलंका के राजनीतिक हालात बड़े अस्थिर हैं। श्रीलंका की सरकार ने नेशनल इमरजेंसी वहाँ पर घोषित कर रखी है और जनता हर जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये श्रीलंका में हालात जो उत्पन्न हुए हैं, इन हालातों के पीछे क्या मुख्य वजह रही है? तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट इन सारी चीज़ों को बताऊंगा कि श्रीलंका में इस तरह के हालात होने के पीछे क्या वजह है। आप NDA, CDS या फिर NCC तीनों एंट्रीज में से जिस भी एंट्री के लिए SSB देने जा रहे हैं, डेफिनेटली आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको श्रीलंका क्राइसिस के बारे में पता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में जो है पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया, इसके पीछे 10 बड़े बड़े रीजंस आप गिना सकते हैं। अगर आप SSB के लिए जा रहे हैं तो इन 10 पॉइंट्स को आपको सिर्फ याद रख करके जाना है। अगर आपको 10 पॉइंट्स याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी अच्छे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि श्रीलंका क्राइसिस का सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह है बच्चों, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप होना। जी हाँ, श्रीलंका जो है जितना आज की तारीख में एक्सपोर्ट करता है उससे कई गुना ज़्यादा वो इम्पोर्ट कर रहा था, और जब इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था, एक्सपोर्ट वो कर नहीं पा रहा था, तो इसके वजह से एक इम्बैलेंस की स्थिति निर्मित हो गई और इसी कारण से उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व में जो है बड़ा नुकसान हो गया। उसका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया, और जब उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत ज़्यादा पैसा बचा ही नहीं तो बहुत ज़रूरी चीज़ों को भी इम्पोर्ट अब नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से श्रीलंका में फूड और फ्यूल दोनों चीज़ों की क्राइसिस बनी हुई है। इसके बाद में जो दूसरा वजह है वो है कि श्रीलंका ने चाइना से डेबिट लिया। अब इंडियन पीपल हम लोग यही कह रहे हैं कि चाइना से जो कर्ज लिया है श्रीलंका ने, उस कर्ज के वजह से भी प्रॉब्लम हुई है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि श्रीलंका से जो कर्ज लिया गया, चूँकि श्रीलंका ने जो कर्ज लिया था वो चाइना की अपनी शर्तों पर लिया था, तो इसमें एक बड़ा पार्ट जो था वो हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर के था। हम्बनटोटा पोर्ट को जैसे ही श्रीलंका ने चाइना को लीज पर दे दिया तो एक बड़ा इशू वहाँ पर ख़त्म हो जाता था, परंतु हुआ ये कि चाइना से जो कर्ज और दूसरी जगह लिया गया, उस कर्ज को इन्होंने लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी कि जो कर्ज लिया था उसको सही जगह पर ये लगा नहीं पाए, इन्होंने उस कर्ज को ऐसी जगह पर लगा दिया जहाँ से पैसा वापस नहीं आ पाया। इसके कारण से इनका वो जो लोन था फंस गया और जो ब्याज की राशि थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार को लौटाना पड़ी जिन कर्जदारों से इन्होंने कर्ज लिया था। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा भारी गैप था, कर्ज को इन्होंने सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी कहना है, गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई लास्ट कुछ ईयर्स में, तो उन पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट बौद्ध को और सिंहलीज को एक तरह से प्रमोट कर रहे थे और तमिल और मुस्लिम को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जितना चाहिए था। तो इस वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप से वहाँ चल रहा था। हालांकि पहले भी श्रीलंका में काफ़ी सारे इस तरह के वायलेंस होते आए थे, परंतु ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था इसके कारण से रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका की रेटिंग डाउन कर दी, और ये जो बौद्ध सिंहली और तमिल मुस्लिम्स पार्ट चल रहा था इसके कारण कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी श्रीलंका से थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया। इस वजह से श्रीलंका को चाइना की तरफ जाना पड़ा, और चाइना तो आप जानते हैं कि वो डेबिट ट्रैप में किस तरह से फंसा देता है। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का भी वहाँ के इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ा और उसके कारण से श्रीलंका को सस्ता कर्ज हासिल नहीं हो पाया। चौथे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो 2020 के आसपास वहाँ कुछ जगह टेररिस्ट अटैक हुए, और वो टेररिस्ट अटैक जो हुए, उन टेररिस्ट अटैक के कारण जो वहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री थी जिसमें लगभग 10% का योगदान था श्रीलंका की GDP में, तो टेररिस्ट अटैक के वजह से श्रीलंका में टूरिज्म भी कम हुआ। तो श्रीलंका में जो टूरिज्म कम हुआ उसकी वजह से भी वहाँ की इकोनॉमी को जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। तो ये बड़े बड़े मेजर पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स मैं आपको गिना रहा हूँ, आप इस तरह से इसको नोट करते चलिए कि सबसे पहला पॉइंट जो था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो में बड़ा गैप था, दूसरा जो है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में कमी आ गई, तीसरा जो है चाइना से कर्ज लेना वो भारी पड़ गया क्योंकि उसको सही जगह लगा नहीं पाए, चौथा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण से जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ ने जो है कि रेटिंग कम कर दी, कर्ज लेने में इनको बड़ी दिक्कत होने लगी, 2020 में टेररिस्ट अटैक हुए, उन अटैक के कारण से इनके टूरिज़्म पर बड़ी दिक्कत आई, और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। क्योंकि कोरोना आ गया तो वर्ल्ड वाइड एक तरह से सारे कामकाज ठप हो गए थे, तो जो वर्ल्ड वाइड पूरे कामकाज ठप हुए उस दौरान श्रीलंका के जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ से जो रेमिटेंस आता था श्रीलंका में, उस रेमिटेंस में भारी गिरावट आई। तो
उसके कारण से भी श्रीलंका की इकोनॉमी को जो सपोर्ट मिलना था वो सपोर्ट वहाँ पर नहीं मिल पाया। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो निर्णय कहीं ना कहीं दूरगामी अच्छे परिणाम नहीं दे पाए, जैसे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पाबंदियाँ लगा दी। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पाबंदियाँ लगा दी तो उसके कारण से वहाँ के लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कंपल्सन झेलना पड़ा। वो कंपल्सरी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हुई तो उसके कारण से वहाँ के जो ग्रेन प्रोडक्शन था उस ग्रेन प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आई। और ग्रेन प्रोडक्शन में कमी आई इस वजह से जो है वहाँ के किसानों को जो लाभ मिलना था, जो बचत उनको मिलना थी, वो बचत नहीं हो पाई। ये तो हो गए जो जनरलाइज रीजंस थे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जो थे वहाँ पर, वो सबसे बड़े रीजन थे कि पॉपुलरिस्ट गवर्नमेंट जो होती है, जो लोगों के बीच में सिर्फ प्रसिद्ध होना चाहती, ऐसी गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने टैक्सेस में बहुत ज़्यादा डिडक्शंस किए जनता को सिर्फ खुश करने के लिए। तो जनता को खुश करने के लिए टैक्सेस में डिडक्शन हुए तो इसके कारण से वहाँ जो टैक्स कलेक्शन था उसमें भारी भरकम कमी आई। तो टैक्स कलेक्शन में भारी भरकम कमी आई, इस वजह से भी वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ नहीं था। दूसरा, बहुत सारी चीज़ों के बीच में सब्सिडी बांटना और फ्रीबीज स्कीम्स चलाना, फ्री की स्कीम्स को लॉन्च करना। तो एक तरफ तो आप टैक्स में भी कमी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा फ्री में आइटम्स बांट रहे हो। तो वो फ्रीबीज के वजह से, सब्सिडी के कारण भी श्रीलंका को ये सारे बुरे दिन देखने पड़े। उसके बाद जो है सबसे बड़ी वजह जिसको देखा जा रहा है कि नेपोटिज्म वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पूरा एक ही परिवार या आसपास के लोग जो है पूरी सरकार को हैंडल अपने आप में कंट्रोल किए हुए थे, तो उसके कारण से वहाँ करप्शन भी काफ़ी कुछ हुआ। तो ये दीज आर द मेन रीजंस, आप जहाँ भी देखेंगे ये यही रीजंस के आसपास आपको डिस्कशंस होते हुए मिलेगा। तो अगर आप ये 8-10 पॉइंट्स जिनको दिमाग में रखेंगे, मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है कि श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके बाद वो पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुआ उसके पीछे क्या वजह। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, दीज आर वेरी जनरलाइज पॉइंट्स एंड इन पॉइंट्स को लेकर के आप जाएंगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डिस्कस ऑन दिस मैटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में इसको देर ना करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।